द्रुषाचार्य के संगीत फंक्शन पर काफी धूमधाम रही। जी हाँ, जहाँ इस मौके पर बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा लोगों को स्पॉट किया गया, तो वहीं बात करें धर्मेंद्र देओल की, वो भी अपने पोते के संगीत सेरेमनी पर पहुंचे। लेकिन धर्मेंद्र जी यहाँ पर कुछ कंफ्यूज दिखाई दिए और जब उन्होंने पपराजी के लिए पोजेस दिए तो वो अपना रास्ता तक भी भूल गए। लोगों ने कहा ये उम्र का तकाजा है, लेकिन धर्मेंद्र जी आपकी प्रेजेंस हमेशा आपके फैमिली के फंक्शन में चार चांद की लगाती है। देखिए कुछ विजुअल्स। वहीं बात करें बॉबी देओल और तान्या देओल की, जिन्होंने जमकर पपराजी के साथ मस्ती की और पोजेस दिए। आपको बता दें बॉबी और तान्या के विजुअल्स देखने के बाद लोगों ने कहा हमें ये लग रहा है कि बॉबी देओल और तान्या देओल की शादी है और वो नया नवेला जोड़ा है। आपको बता दें बॉबी और तान्या एक दूसरे में खोए हुए काफी रोमांटिक अंदाज में दिखाई दिए और बॉबी अपनी वाइफ तान्या का खूब ख्याल रखते हुए भी दिखाई दिए। लोगों को बॉबी और तान्या की केमिस्ट्री काफी पसंद आई। इसके अलावा सनी देओल का तारा सिंह लुक में आना लोगों को हजम नहीं हुआ। लोगों ने कहा यहाँ पर भी अपनी फिल्म गदर की ही प्रमोशन कर रहे हैं जनाब, अरे भाई अपने बेटे के संगीत को तो छोड़ देते। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज रणवीर सिंह की बहन रितिका भवनानी। जी हाँ, रितिका भी इस मौके पर पहुंची थी जो कि ग्रे अटायर में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आपको बता दें रणवीर सिंह भी इस पार्टी पर पहुंचे, हालांकि पपराजी के सामने उन्होंने पोजेस नहीं दिए क्योंकि वो इस पार्टी में काफी लेट नाइट पहुंचे थे। इसके अलावा बॉबी देओल अपने बेटे आरमन के साथ जमकर पोजेस देते दिखाई दिए। बॉबी देओल और आरमन की यहाँ पर बॉन्डिंग देखकर लोगों को काफी खुशी हुई। लोगों ने कहा शुक्र है आखिरकार बॉबी देओल तो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हैं और उनके साथ अच्छे से पोज दे रहे हैं। वही बात करें करण और दृशा की, इन दोनों ने भी पपराजी के लिए पोजेस दिए। राजवीर देओल हों, अभय देओल हों, सनी देओल हों, आरएमएन ने भी सोलो पोजेस दिए। दिखाते हैं आपको ये तमाम वीडियोस। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर तड़का बॉलीवुड को करें सब्सक्राइब।